हेलो दोस्तों मैं शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज के वीडियो के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और शायद मेरे टेबल पर इस बॉक्स को देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि मैं इतना क्यों एक्साइटेड हूँ तो हाँ दोस्तों मेरे पास वन प्लस का ये फ्लैगशिप फ़ोन जो कि वन प्लस एट प्रो है ये फ़ोन फाइनली आ गया और मैं इसके लिए बहुत वेट कर रही थी इस फ़ोन को अनबॉक्स करके देखने के लिए और इसमें इतने सारे स्पेशल फ़ीचर्स है जैसे कि इसमें स्पेशल क्वाड कैम सेटअप है और स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव का प्रोसेसर है और इसमें वन ट्वेंटी हर्स का फ्लूड डिस्प्ले है और ये फोन फाइव जी को भी सपोर्ट करता है और ऐसे कई सारे फीचर्स है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए पहले तो मैं आपको इसका बॉक्स पैकिंग बता दूंगी ये इस तरह की ब्यूटिफुल रेड कलर बॉक्स में आया और यहाँ पर बैक साइड में आप इसका कलर भी देख सकते हैं और मेरे पास जो है ये अल्ट्रा मेरीन ब्लू कलर का है और uh, ये कलर जो है ना किसी ने भी अनबॉक्स नहीं किया इसे सिर्फ आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं तो देरी किस बात की दोस्तों मैं तो बहुत दिनों से वेट कर रही थी इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं तो बॉक्स के अंदर ये फ़ोन बहुत ही नीटली पैक्ड आया और इधर नीचे इस ट्रे पर नेवर सेटल लिखा है उनका जो टैगलाइन है वो भी लिखा हुआ है तो दोस्तों पहले मैं इस फ़ोन को बाजू रख कर आपको बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें आए हैं वो सारे भी एक बार दिखा दूँगी तो चलिए इस ट्रे को निकाल कर अंदर क्या क्या है देखेंगे तो इसमें इसका केस केबल ये सारे चीज़ें आए हैं तो दोस्तों मैं पहले इन सारे चीज़ों को नीटली अरेंज करके टेबल पर आपको एक एक आइटम बताऊंगी तो बॉक्स के अंदर ये सारे चीज़ें आए और ये वाइट ट्रे जो है ना ये एक्चुअली एक बॉक्स है तो चलिए मैं आपको इसके अंदर के पेपर वर्क जो आए वो सारे भी बता दूँगी तो इसके अंदर इसका क्विक स्टार्ट गाइड सार वैल्यू डिटेल्स और सेफ्टी इंफॉर्मेशन और एक इन्विटेशन लेटर और वन प्लस के स्टिकर्स ये सारे चीज़ें आए और ये इसका पावर अडाप्टर है ये वाप चार्ज थर्टी टी पावर अडाप्टर है थर्टी बॉड्स का अडाप्टर यहाँ पर आप वन प्लस ब्रांडिंग देख सकते हैं और ये अडेप्टर भी बहुत ही सॉलिड फील हो रहा है हाथ में और हमें एक वाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन का सुपर हैवी ड्यूटी यूएसबी टाइप सी केबल भी आ रहा और हमें एक ट्रांसपेरेंट केस भी आ रहा है केस पर भी नेवर सेटल लिखा हुआ है बैक साइड और मुझे केस का क्वालिटी भी ठीक ही लग रहा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट भी नहीं है एडजस्ट में ट्रांसलूसेंट है केस मैं आपको इसे बाद में बताऊँगी फ़ोन पर डालकर तो चलिए फाइनली अब फ़ोन देखने का चांस आया आ, ये नीटली पैक्ड आया है इस कवर में इसे निकाल कर आपको बताऊंगी हों माय गॉड हाथ में पकड़ने पर तो बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है और ये अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर का है आ, मुझे तो इसका कलर बहुत पसंद आया तो इस फ़ोन में 6.7 इंच का क्यू एच डी प्लस वन ट्वेंटी डिस्प्ले है 3D डी कर्व्ड डिस्प्ले वो भी और यहाँ पर फ्रंट में आप इसका 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा भी देख सकते हैं फ्रंट कैमरा और इधर साइड में हम इसका वॉल्यूम रॉक कर बटन देख सकते हैं इसका बटन क्वालिटी तो बहुत ही प्रीमियम है और इस तरफ ये इसका अलर्ट स्लाइडर है यानी कि फ़ोन को वाइब्रेशन या साइलेंट मोड में डालने के लिए और इसके नीचे ही इसका पावर बटन है बॉटम में इसका सिम स्लॉट है उसके बाजू माइक्रोफोन और टाइप सी पोर्ट और ये इसका स्पीकर है टॉप में हम सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक भी देख सकते हैं और बैक साइड तो मैं क्या बोलूँ ये इतना ब्यूटीफुल कलर है ये अल्ट्रा मेरीन ब्लू और uh, मेको तो बहुत पसंद आया टच करने पर भी बहुत ही स्मूथ है इसका फिनिश ये फोन कंप्लीट फ्रंट और बैक अल्यूमिनियम फ्रेम पे गोरीला ग्लास फाइव से बना हुआ है और सेंटर में हम वन प्लस ब्रांडिंग और बॉटम में वन प्लस ब्रांडिंग भी देख सकते हैं और इधर हम इसका स्पेशल क्वाड कैमरा सेटअप देख सकते हैं ये ऊपर का फोर्टी एट मेगा पिक्सल वन ट्वेंटी डिग्रीज वाइड कैमरा है विथ मैक्रो और सेंटर का फोर्टीट 8 मेगापिक्सल मेन कैमरा और लास्ट का 5 मेगापिक्सल कलर फिल्टर कैमरा है और दूसरी तरफ ये 8 मेगापिक्सल का हाइब्रिड जूम कैमरा है और इसके नीचे ही हम इसका डुअल एल ई सेटअप भी देख सकते हैं तो देखने में तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल और स्टाइलिश दिख रहा है ब्लू uh, कलर में ये दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल है ग्लेशियर ग्रीन लेकिन को तो ये अल्ट्रा मेरीन ब्लू कलर बहुत पसंद आया और हाँ यहाँ पर फ्रंट में ये इसका ईयर पीस है ये मैं दिखाना भूल गई तो ये इसका ईयर पीस है तो दोस्तों ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन था और मेरे को तो फर्स्ट इम्प्रेशन से ये फ़ोन देखने में बहुत ही पसंद आया स्पेशली इसका कलर तो चलिए अब मैं आपको एक बार इसका सिम स्लॉट भी दिखा दूँगी ये फ़ोन डुअल नैनो सिम को सपोर्ट करता है और इसका सिम कार्ड ट्रे का डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है फ्रंट और बैक हम सिम कार्ड्स डाल सकते हैं और अगर आप 5G सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही डाल सकते हैं हम फ़ोन में तो चलिए अब मैं इस फ़ोन को ऑन करके आपको बताती हूँ तो दोस्तों मैं इस फ़ोन को ऑन करके इसका सारा सेटअप भी कर दी और इसमें मेरा फिंगरप्रिंट भी डाल दी तो तो एक बार मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा काम कर रहा है वो भी दिखाऊँगी इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेको तो ठीक ही लगा फास्ट ही अनलॉक हो रहा है और एवरी अटेम्प्ट में करेक्टली अनलॉक हो रहा था अब मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊंगी इसमें 6.7 इंच का क्यू एच डी प्लस वन ट्वेंटी का 3D कर्व्ड डिस्प्ले है फ्लूइड uh, एमोलिड डिस्प्ले और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है और मेको तो यूज करने पर बहुत ही बटरी स्मूथ लग रहा है इसका इंटरफेस आप भी देख सकते हो इसमें स्नैपड्रैगन का एट टीफाई का अल्टीमेट प्रोसेसर है तो गेमिंग का तो इस पर अलग ही एक्सपीरियंस होगा 120 ट्वेंटी डिस्प्ले पर मैं आपको एक सेपरेट इस फ़ोन पर इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो अलग वीडियो करके बताऊंगी ये इसका नोटिफिकेशन पैनल है और दोस्तों ये फ़ोन जो है ये अलेक्सा सर्टिफाइड है तो आप डायरेक्टली इस फ़ोन से ही अलेक्सा को भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर आप इसके दूसरे आ, सेटिंग्स देख सकते हैं एन ब्राइटनेस ये सारे तो चलिए अब आप मैं आपको एक बार सेटिंग्स ऐप भी ओपन करके बताऊंगी सेटिंग्स में डिस्प्ले में आ, इधर आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हो अडेप्टिव ब्राइटनेस और कंफर्ट टोन को मैं ऑन कर ली ये क्या है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट करता है और यहाँ पर नीचे वीडियो इन्हांसमेंट इंजन में वाइब्रेंट कलर इफेक्ट प्रो ये ऑप्शन को भी मैं ऑन कर ली इसे ऑन करने पर कलर्स और ब्राइट दिखेंगे और ये मोशन ग्राफिक स्मूथिंग इसे भी मैं ऑन कर ली आ, ये क्या है कि अगर आपके वीडियो में कुछ जिटर है तो उस टाइम पर वो वीडियो को और थोड़ा स्मूथ करके प्ले करके आप को बताएगा एडवांस में स्क्रीन कैलिब्रेशन में थ्री ऑप्शंस है विविड, नेचुरल और एडवांस्ड मैं तो विविड रख ली और रेजोल्यूशन में फुल एच प्लस और क्यू एच प्लस टू ऑप्शन है मैं क्यू एच प्लस को सेलेक्ट कर ली और रिफ्रेश रेट में वन ट्वेंटी और सिक्सटी हर्ट्स ऑप्शन है मुझे लगा कि नाइनटी हर्ट्स ऑप्शन भी होना चाहिए था और यहाँ पर नीचे ये सारे तो वही नॉर्मल फ़ीचर्स uh, है तो चलिए अब हम स्टोरेज देखते हैं इधर आप देख सकते हैं फोटीन परसेंट यूज टू नाइनटीन जी फ्री है, used, है। uh, मेरा मॉडल जो है ये ट्वेल्व जी रैम और टू फिफ्टी सिक्स जी बी का मॉडल है है, इसमें टू डिफरेंट वेरियंट अवेलेबल है एक एट जी बी वेरियंट और ट्वेल्व जीबी वेरियंट इसमें फोर थाउजेंड फाइव टेन मिली एम पी आर आर का बैटरी है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है इसके साथ हमें वाप चार्ज थर्टी टी फास्ट चार्जर भी आया और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है लेकिन इसके वायरलेस चार्जर को आपको सेपरेट खरीदना पड़ेगा और अबाउट फोन में आप इस फोन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो इसमें स्नैपड्रैगन एइट सिक्सटी फाइव का प्रोसेसर है और मेरा ट्वेल्व जीबी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी बी मेमोरी का मॉडल है एंड्रॉयड वर्जन में इसका वर्जन ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है ये वर्जन 10 पर चलता है और यहाँ पर इसका सिक्योरिटी पैच भी मेंशन किया हुआ है तो अबाउट फोन में ये सारे फोन के डिटेल्स थे तो दोस्तों ये था इसका सेटिंग्स ऐप चलिए मैं आप, आपको एक बार इसका कैमरा ऐप भी ओपन करके बताऊंगी तो ये इसका कैमरा इंटरफेस है और आप इसे 120 डिग्री वाइड कैमरा या फिर नॉर्मल प्राइमरी कैमरा या फिर 3x हाइब्रिड ज़ूम कैमरा में यहाँ से स्विच कर सकते हो और हाइब्रिड ज़ूम कैमरा मोड में आप इसे ऑलमोस्ट 30x तक डिजिटल जूम भी कर सकते हो लेकिन डिजिटल जूम में थोड़ा पिक्चर क्वालिटी भी कम हो जाएगा इमेज क्वालिटी देखना पड़ेगा पिक्चर्स लेकर कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है और uh, इसमें कई सारे अलग अलग मोड्स है जैसे वीडियो स्लो मोशन पैनोरामा पोर्ट्रेट नाइट प्रो मोड ऐसे कई अलग अलग मोड्स हैं और प्रो मोड में आप हिस्टोग्राम भी देख सकते हो और सारे मैन्युअली एडजस्ट भी कर ले सकते हो और इधर से आप 12 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल को सेलेक्ट कर ले सकते हो और ये इसका मैक्रो मोड है अभी तो ये ऑफ है लेकिन इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन भी है तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैक्रो मोड में चला जाएगा और सेटिंग्स में वीडियो सेटिंग्स में यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें टेन ए टी पी थर्टी एफ पी एस से फोर के सीनी थर्टी एफ पी एस और सिक्सटी एफ पी एस तक ऑप्शन है और नीचे आप स्लो मोशन वीडियो के सेटिंग्स भी देख सकते हो सेवन ट्वेंटी पी फोर एटी एफ पी एस और टेन ए टी पी टू फोर्टी एफ पी एस और इसमें एच ई भी है आप एच टू सिक्सटी फाइव में भी वीडियो शूट कर सकते हो और ये सारे तो जनरल ऑप्शंस है इसका वाटर मार्क ग्रिड्स ये सारे और दोस्तों इसमें इतने सारे ऑप्शन है तो मैं अभी यहाँ पर तो आपको नहीं बता सकती लेकिन इसे टेन फिफ्टीन डेज यूज़ करके सैम्पल्स कलेक्ट करके आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है अभी तो आप नॉर्मल यहाँ पर देख सकते हो इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है तो ये था इसका कैमरा ऐप तो दोस्तों अब मैं आपको इस पर कुछ वीडियो प्ले करके इसका डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है भी बताऊंगी। इसमें 10 बिट का एच डी आर टेन प्लस डिस्प्ले है फ्लूड एमोलेट डिस्प्ले और वो भी 1300 हंड्रेड निट्स ब्राइटनेस के साथ तो डिस्प्ले भी बहुत ही ब्राइट दिखेगा बाहर सनलाइट में भी और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है वो भी डॉल एटमोस सपोर्ट के साथ तो, तो यहाँ पर आप भी इस वीडियो क्लिप को देख कर इसका डिस्प्ले क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप भी देख लो और इसके प्राइस के हिसाब से ये अच्छे स्पेक्स ऑफर कर रहा है इसमें इंटेल का नाइन्थ जेन आई फाइव प्रोसेस थे और इस बॉक्स पर भी इतना कुछ लिखा नहीं है तो इसे अनबॉक्स करके तो दोस्तों ये था मेरा अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू इस वन प्लस एट प्रो फोन का ये तो उनका फ्लैगशिप फोन है और ऑब्वियसली इसके सारे स्पेक्स और फीचर्स टॉप नॉच होंगे जैसे कि इसमें अल्टीमेट स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है 120 ट्वेंटी हर्ट फ्लूड डिस्प्ले है और क्वाड कैमरा सेटअप है ये फोन फाइव को सपोर्ट करता है और ये आई पी सिक्सटी भी है वाई फाई, -फाई को सपोर्ट करता है और देखने में भी बहुत ही प्रीमियम है ये फ़ोन तो दोस्तों मैं इसे थोड़े दिन यूज़ करके इसका कैमरा परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है सब कुछ आपको इसके कंप्लीट रिव्यू में बताऊँगी तो बस इतना ही था आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूँगी बाय